पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की वजह से डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। अब नॉन कंडक्टिंग है तो सॉलिड स्फीयर है, तो हेडिंग डालते हैं, फिर मैं इसको दोबारा एक बार समझाना चाहूंगा कि आखिर टॉपिक है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। तो बच्चों एक सिचुएशन समझिए, अगर मेरे पास मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है और मेटल का ही है, सॉलिड स्फीयर एक बॉल समझिए, सॉलिड मेटल का है, और मैंने इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिए, माना एक काल्पनिक तौर पर सोचिए, मैंने इंजेक्शन से डाल दिए फ्री इलेक्ट्रॉन, काल्पनिक सोचिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, मैंने पूरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया सेंटर पे। अगर ये मेटल का है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बच्चों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो वो फटाफट बहुत जल्दी ही वो सबके सब कहां आ जाएंगे, आउटर सरफेस पे, अंदर नहीं रहेंगे। अब दूर जाना चाहेंगे, जितना दूर जा सकते हैं, मैक्सिमम दूरी जो है वो बाउंड्री है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लूं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और उसको चार्ज दूं, तो सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा, बाउंड्री पर। अब बाउंड्री पर सारा चार्ज आ गया तो पिछला डेरिवेशन जैसा ही हो गया या नहीं, तो फिर ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं फिर अब हम, तो इसका मतलब ये ऐसा है जैसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर की तरह। बस इतना समझिए कि इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। फ्यूचर में आप ऐसे भी पढ़ेंगे जहां नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, अभी इसी से काम चल जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, और ऐसे में फिर अगर पॉइंट बी जो हमारा जहां पर हम टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहर है, वो सरफेस पर है, वो अंदर है। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर है, यूनिफॉर्म है, तो पॉइंट बी अंदर लेने पे भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, कुछ सोचिए इस पर। अंतर समझ में आया बच्चों कि अगर कंडक्टिंग सॉलिड है तब क्या होगा और नॉन कंडक्टिंग है तब क्या होगा, क्लियर हो पाया या नहीं? यस सर। तो इस बार हम कौन सा ले रहे हैं कार्तिकेय, जिस पे बातचीत हो रही है? सर नॉन कंडक्टिंग। लिखिए लेट अस कंसीडर, a non-conducting sphere of radius r having uniformly distributed charge, uniformly distributed charge plus q on it। तो uniformly charge distributed तो पिछले में भी था, लेकिन वो spherical cell था तो पूरा charge surface पर distribute हुआ था, यहां पूरा charge volume पर distribute होगा, solid है और non-conducting है ना, चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली,
सॉलिड स्टेट वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम पर, ये बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ केयरफुल रहिए, लिख लो भाई, भूल जाओ, डिस्चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ब्रैकेट में नॉट ओवर द सरफेस. वाई मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप लोग जब भी पढ़ें आपको याद रहे ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आप क्या जवाब देंगे ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है. हाँ, अगर वो कंडक्टिंग होता तो फिर वही होता है, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, फिर कहानी स्फेरिकल सेल जैसी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें मास से मतलब नहीं था, चार्ज से मतलब था. ठीक हो गया, तो अब हम केस फर्स्ट चल लेते हैं. इफ पॉइंट पी is outside the sphere तो भाई आपके पास ये कैपिटल आर रेडियस का है और यहां पर एक पॉइंट पी है, तो फिर आप एक क्वेश्चन सरफेस बनाएंगे वैसे ही, तो बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है. तो मेरे ख्याल से इसमें तो कहानी फिर वही सारी आ जाएगी जो हमने पहले बातचीत की है, वही तो आना है इसमें. तो इसके अंदर टोटल चार्ज तो क्यू ही है ना, अभी भी ग्रोसियन सरफेस के अंदर. यस सर. I discussed in last lecture. तो वही सब आ जाना है, equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r square. तो फिर वही बात है, इतना सॉलिड होने के बाद भी पॉइंट चार्ज की तरफ ही है वो भाई इसमें. ठीक है, केस सेकंड भी सेम, तो टेस्ट सेशन में भी क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर क्या था, कैपिटल. मैं पिछला लेक्चर है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसे पढ़ेंगे ही. तो हमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो टेस्ट थर्ड बात करनी चाहिए बस. इफ point P lies within the sphere. अगर ये अंदर हो जाए तो इसे बनाते हैं, इस बार ये आपका कैपिटल R था और ये ग्रोसियन सरफेस है, पॉइंट पी ये है. तो जहां पर पी है अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर, आप वहीं पर आर रेडियस का कंसेंट्रिक ग्रोसियन स्फीयर मान लीजिए. अब इसके अंदर चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना अभी, तो फिर इस तो चार्ज हर जगह है आप कह रहे हैं, तो इसके अंदर चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश. लेट क्यू डैश चार्ज बी विद इन ग्रोसियन स्फीयर.
तो जो पॉइंट पी है वो खुद ही गॉसियन स्फीयर की सरफेस पर है ना, हाँ सर, तो पिछले वाले डेरिवेशन की तरह ई कितना हो जाएगा फिर गॉसियन पे सरफेस पे जैसे था सेकंड वाला, 1/4 pi epsilon naught क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। क्यू डैश कितना होगा जरा सोचिए भाई, पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 pi r³ कैपिटल पाई आर क्यूब, इतने पे कितना चार्ज है क्यूब, तो यूनिट पर तो 4/3 pi r³ पे कितना होगा सर, यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे, तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू क्यू आर क्यूब अपॉन, तो नीचे आर स्क्वायर भी है और आर क्यूब, तो इस बार ई जितना आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू आर है इस बार। तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, मतलब एट द सेंटर क्या होगा, जीरो। वेरी गुड, आर जीरो होगा तो ई भी जीरो हो जाएगा। सॉलिड स्पेयर में भी सेंटर पे जीरो होगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके अंदर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, जो आप गॉसियन लेते जाएंगे, और बाउंड्री पे मैक्सिमम होगा और ये लीनियरली बढ़ रहा है, ये आर के प्रोपोर्शनल है, ई और आर में ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। हाँ, यहाँ पर डेरिवेशन समझ में आ पाया? हाँ सर। अगर मैं ई और आर में ग्राफ खींचो तो ऐसा आना चाहिए, देखिए ये आपके पास आर है, इधर को आर एक्सिस और इधर को ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे यहां से लेंगे जीरो क्योंकि आर जीरो होगा वहां पर, और बाउंड्री तक जहां पर आप लेंगे ये, यहाँ पर जो r है वो किसके बराबर है, इससे लेफ्ट में जो था r लेस देन r था और इससे आगे r जो रहा हूँ ग्रेटर देन r हो, तो बच्चों यहाँ पर ये मैक्सिमम पहुंचेगा, जो ग्राफ है ओरिजिन से लीनियर चल रहा है, ये e प्रोपोर्शनल टू r का मतलब y प्रोपोर्शनल टू x, तो y टू mx लाइन चित्र आया, ये मैक्सिमम पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर ई मैक्सिमम होगा ना, कितना है मैक्सिमम 1/4 pi r³ ये ई मैक्स था, मैक्स मतलब मैक्सिमम, उसके बाद ये घटेगा, अब कैसे घटेगा, यहां से ऐसे ये एसिम्प्टोटिक होता जाएगा, आपने कहा आपको कैसे पता, क्योंकि यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² था पहला वाला केस, बाहर जब पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 1/4 pi epsilon naught q/r² था, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, तो R बहुत तेजी से बढ़ेगा तो 1/r² बहुत तेजी से घट जाएगा ना, तो ये ग्राफ है बच्चों, E जीरो से लेकर बाउंड्री तक लीनियर है
और उसके बाद इस तरह से तेजी से कम होगा, तो ई और आर में ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या मैं समझा पाया? हाँ सर। अच्छा ठीक, ये सारा डिस्ट्रक्शन चार्ज डेंसिटी के साथ भी दिखाया जा सकता था पूरी बातचीत जो है। पहले इसको बना लीजिए। नोट करके ना, अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करें जी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको चार्ज डेंसिटी रो ले लीजिए, तो रो कितना होगा, क्यू अपॉन कितने पे बटा हुआ है, 4/3 πr³ ना, इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो जहां जहां क्यू है वहां वहां क्या रखते हैं, 4πr³ × ρ/3 ये रख दीजिए, आपके एक्सप्रेशन फिर चेंज हो जाएंगे। पहला वाला आ जाएगा आउटसाइड वाला ना, आप ही रख के बताते तो ज्यादा अच्छा था। If, जो आर था वो आर से बड़ा है, मतलब तो स्मॉल आर का मतलब पी पॉइंट जो है रेडियस से बाहर है, तो उस समय ई कितना था, 1/4πε₀Q/r² क्यू की जो ये रख दीजिए, तो 4π3 चल हो जाएगा, ये आ जाएगा ρ/ε₀ × r³/3r² आप कह सकते हैं जी ऐसे ये। इफ आर इक्वल टू आर सरफेस पर, तो ये हो जाएगा ρ/ε₀ और r/3, इतना बन जाएगा। तीसरा क्या आया था, इफ आर लेस देन आर, तो ये कितना आया था, अभी सॉल्व किया तो था भाई, ρ/ε₀ × r³ ऐसा था क्या, देखिए प्लीज ये ρ/ε₀ हाँ, जो ऊपर क्यू वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, बताइए कितना आया। ρ/ε₀ और कितना आएगा, कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ऐसा आ रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड मालूम होना चाहिए। अच्छा हाँ कर सकते हैं ऐसा। तो इस हिसाब से तो हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी ग्राफ बना सकते थे, पिछले में जो हमने ध्यान नहीं दिया हमने उसको बनाया जा सकता है। अब इसमें आप क्वेश्चन के तौर पर लिख लीजिए, ड्रॉ बिटवीन ई एंड आर फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्फेरिकल सेल, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
ऑन अ स्पिरिचुअल सेल. माना यही सवाल आ जाए, बेसिकली ये वहीं पर बता दिया जाना चाहिए था. देखिए प्लीज, ये आर है, ये ई है, यहां भी ऐसे सोच लीजिए, यहां पर बाउंड्री हो गई, इसके अंदर ये वाला हो गया और इसके बाहर ये वाला. ठीक है, तो इस अंदर तो जीरो था ना स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड. यस सर. तो ई जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस में आएगा. हाँ सर. तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट तो ई है ना, वो जीरो होगा तो एक्स एक्सिस में. ये देखो, ये जो मैं डार्क बना रहा हूँ, यही लाइन हुई है जीरो से यहां तक. अचानक बाउंड्री पर कुछ आ जाएगा. लाइन कहाँ गई, कहाँ को गया यार, लाइनें गायब हो गई. केवल ग्राफ ऐसा बनेगा फिर, ये तो वैसे ही आएगा कम होता हुआ. ग्राफ ऐसा बनेगा, जीरो से आर तक तो बनेगा ही नहीं ना, इसी जीरो, फिर बाउंड्री पर मैक्सिमम था और उसके बाद बाहर को और कम होता गया. स्पेरिकल सेल में ही हो जाना चाहिए था ये वहीं पर. कोई बात नहीं, ऐसे भी तो सवाल आ सकता है. तो स्पेरिकल सेल की वजह से हमने डिफरेंट सिचुएशन में क्या निकाल दिया, सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी. ठीक हो गया, इतना क्लियर होगा फिर. यस सर. चलिए ठीक है. तो ये दो मेन डेरिवेशन थे, मेरे ख्याल से कोई बहुत टफ कहीं भी नहीं है. अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चंस जो हमने कल पढ़े हैं वो भी हो सकते हैं. कुछ मैं आपको छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ इसमें. क्वेश्चन ये है, तीन इनफाइनाइट सीट है, मैं लैंग्वेज पर लिख रहा हूँ. एक इनफाइनाइट सीट ये है, दूसरी इनफाइनाइट सीट ये है, तीसरी इनफाइनाइट सीट ये है. ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस मानिए और खड़ी लाइन को जेड एक्सिस मानिए. ये जेड एक्सिस और ये जो है, ये जेड इक्वल टू माइनस ए पर है, ये जेड इक्वल टू ए पर है और ये जेड इक्वल टू थ्री ए पर है. यहां पर एक पॉइंट पी है. ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इनफाइनाइट सीट है. इसकी माइनस टू सिग्मा है और इसकी भी माइनस सिग्मा है. तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना होगा. मैं क्वेश्चन अब लिख रहा हूं, थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट्स, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड सीट्स आर प्लेस्ड एज सो, आर प्लेस्ड एज सो. तो ये इनफाइनाइट सीट है, वायर नहीं है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी.
अच्छा बच्चों ये बताइए, जो प्लस सिग्मा वाली सीट है सबसे ऊपर, उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? एक पॉजिटिव सीट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होता है, बाहर को अंदर को? जेड इक्वल टू थ्री ए पर जो है ऊपर वाली सीट सिग्मा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? नहीं आ रहा समझ में बेटा? अगर ये सीट है कोई आपके पास, तो यहां से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है कि इनवर्ड होती है? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आउटवर्ड। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा इस सीट की वजह से, नीचे को होगा कि ऊपर को होगा? सर नीचे को होगा। वेरी गुड, दूर होना है ना, नीचे टू होगा। अब माइनस टू सिग्मा की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां को होगा? सर नीचे को। वेरी गुड, ये भी नीचे टू होगा। और तीसरी जो माइनस सिग्मा है, उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज है तो सीट की तरफ ही होगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एट लाइन का सवाल हो गया पहले। E इक्वल टू कितना होता है वैसे फॉर्मूला? अगर सिग्मा होता है चार डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ऊपर लेफ्ट में देखिए, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था हमने। yes, तो पहले में क्या आएगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे में टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तीसरे में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इन सब में माइनस स्टेट कर दूं, जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है मतलब डाउनवर्ड, कितना हो जाएगा? टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाउनवर्ड लिख दो खाली। यार ये कोई सवाल है, सोचो। ऐसा कोई सवाल है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है? नहीं सर। फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें। चलिए ठीक है, इसको इतना ही करते हैं, करते 6:35 को फिर जुड़ते हैं, या आज इतना ही कर लेते हैं, अब मैथ्स भी हो जाएगी स्टेशन थोड़ा। 6:35 पे थैंक यू।